ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਤੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਥ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਊਗਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਬ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਲਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦਿਖਾਊਂ, ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ, ਜੋਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂ। ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ, $12 ਕੇ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਆਜ ਜੋਬ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਸੀਧੇ ਖਤਮ ਜੋਬ। ਤੋ ਐਸੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋ ਕੀ ਜੋਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਧਾ ਮਈ ਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਧਾ ਮਾਰਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਹੋ ਰਹਾ ਨਾ, ਮਾਰਚ ਮੇਂ ਹੁਆ ਥਾ 3 ਵੀਕਸ ਕਾ, 21 ਮਾਰਚ ਸੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵੀਕ ਕਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੀਧਾ ਅਬ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਕਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਵੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਥਾ ਔਰ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੋਰੀ ਹੋਟਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਯਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਥੇ। तो वहाँ उसकी जॉब थी, वो जिस जिस जगह पे गया वो मेलेंट्स में ज़्यादा गया है, तो उसकी वजह से वो सारा एरिया लॉकडाउन है। तो कॉलेज भी हमारा बंद है और रेंट सिर्फ टेक अवे। और हाँ भाई, एक बात और, यहाँ मास्क लगाना ही पड़ता है, नहीं तो फाइन ऐसा देते हैं ना, $1,000-$2,000 फाइन देते हैं इंडिया का, 2-3 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया हो गया इंडिया का। तो मास्क लगाना, इससे बेहतर है कि $15 का मास्क ले लो 2,000 भरने से, क्योंकि 2,000 तो पूरा 2-3 वीक में नहीं बनेगा। और अभी कोई नहीं है सड़कों पे, खाली हैं सड़कें, तो वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास बाहर आने का, तभी कभी भी पुलिस आपको चेक कर सकती है यो वर्क। तो देख लो भाई, पूरी पार्किंग खाली है, कोई भी नहीं है, इससे ज़्यादा तो गाड़ियाँ, इससे पूरा भरा होता है। ये रात को 1 बजे मेरी जॉब ख़त्म होती है तो भरा होता है पूरा। अभी सिर्फ 3 बंदे खड़े हैं वहाँ पे और बाकी सारा कोई गाड़ी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ वो एक गाड़ी खड़ी है, सिर्फ वो, और कोई गाड़ी नहीं है कहीं भी। आप देख सकते हो पूरा वेस्ट फील्ड खाली पड़ा है, ठीक है, और कोई ट्राली नहीं है ट्राली एरिया में। ये भी देखो आप, ट्राली एरिया रिटर्न, कोई ट्राली नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई आज शॉपिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन हो गया 6 बजे से। और तो अभी मैं शायद रेस्टोरेंट में भी डाइनिंग नहीं है, बस वैसा ही फ्री का पैसा आज भी मिलेगा क्योंकि वो तो हाँ जी, अभी मेरी हो गई जॉब ख़त्म। जॉब तो नहीं थी आज, उन्होंने जब मैं पहले गया वहाँ से तो उन्होंने बोल दिया कि तेरी जॉब नहीं है भाई, अभी तेरी 1 वीक छुट्टियाँ हैं। तो अगर जो भी बंदा भाई देख लो, जो किचन में काम कर रहा उसी की 1 वीक की गई पे सारी, मतलब वो काम नहीं कर सकता, जॉबलेस है ना 1 वीक के लिए। और जो फ्रंट स्टाफ होता है वेटरेस का, जैसे लड़कियां होती हैं या रिसेप्शन पे लड़कियां होती हैं, देखो उनकी भी जॉब गई है ना, कितने बंदे इस वीक जॉबलेस होंगे, या अगर जो लॉकडाउन चलता रहा तो लॉक मतलब जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, मैं तो अभी काम कर रहा है, मेरे कपड़े चेंज हो गए, मेरे को लॉग बुक के लिए फ़ोटो खींचनी थी, तो वो आज सही टाइम था ना, क्योंकि रेस्टोरेंट में सारा सामान बाहर निकला हुआ था और ये बिजी भी नहीं था, 2-3 उबर ईट के ऑर्डर आए बस, वो निकाले हमने, तो मैंने फ़ोटो खींच ली सारी और उनकी हेल्प करा दी जो शेफ थे वहाँ। तो बाकी सारा सही है, अभी घर जा रहा हूँ, 10 बज गए, 2 घंटे लगे फ़ोटो खींचने में, ऐसे नहीं कि मैं फोटो ही खींच रहा था, उनकी हेल्प भी करा रहा था, जो मेरा रोज का काम होता थोड़ा बहुत मैंने वो कर दिया, तो सही था। अभी कल को देंगे अपडेट बाकी क्या होती है ना। लेकिन आज कोई नहीं है बाहर, सब ने जो भी बाहर है मास्क पहने हुए हैं, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से सही चीज़ रही है, तभी हम इतना मतलब सक्सेसफुल हैं। एक केस निकला है, सिर्फ एक केस की वजह से उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बात ये सही नहीं है, लेकिन एज अ सिटीज़न देखा जाए यहाँ, या यहाँ का नागरिक देखा जाए तो बहुत सही है, कितना सोचते हैं ये लोगों के बारे में, क्योंकि अगर लोगों के बारे में सोच रहे तभी लॉकडाउन किया है इन्होंने, नहीं तो हम देख सकते हैं दूसरी कंट्री में कितने केसेस हो गए, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती सरकार। और ऐसे पंजाब का ही देख लो है ना, कि दिल्ली बैठे थे किसान 3 महीने से, किसी ने कोई खबर नहीं दी, और थोड़ा सा गलत कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी अगर जो किया उन्होंने रेड फोर्ट पे किसानों ने, फिर भी चाक के उनको ये कर दिया, ये वो कर रहे हैं। और हमें सपोर्ट करनी चाहिए किसानों को, मैं हमेशा करता रहा हूँ और करता रहूँगा, और जो भी मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम होगी मैं वो सारी किसानों के प्रोटेस्ट के लिए भेजूँगा,
या जितनी आएगी मेरे को मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि इतने पैसे जो मेरे गांव की कम्युनिटी है उसकी किसान यूनियन के उनको दे दें। तो अभी मेरे को कॉल आ रहा है मेरी मम्मी का, मेरे को उठाना पड़ेगा। ये है जी अगला दिन, तो अज गर्मी ज़्यादा सी, फिर भी 12:40 हो गया। अज कम असी छेती खत्म करता, तो खत्म तां करता थोड़ा जा दिक्कत सी सानू कम जे च, तो कम तो करना सी 5 बजे, लेकिन क्योंकि थलो पत्थर निकला है वो घर दे तां करके असी बना नहीं सके। तो होर अपडेट यही है जी, तो है ना थोनू घर दिखाने अस्टो किन्ने सोहने बदल ने, है ना किन्ने सोहने घर ने। आ देखो खब्बे पासे वाला घर लैंप दे किन्ना सोहना घर है। तो आ मेरा मैं कैमरा इधर कैमरे लगे हुए ने ता करके मोबाइल ना दिखा नहीं सकता, नहीं तो आप आ घर भी बहुत सोहना देखो। हाँ तो पूरे वधिया घर ने, है ना जिहड़े एरिए नवे बन रहे ने। लगभग मैनू 1.5 साल हो गए इस एरिए कम करते नूं, ते बाकी सारे ने मास्क पाए हुए ने, है ना बाहर कोई फालतू है नहीं गा। तो एक दो बंदे मिलते होंगे रनिंग करते, उन्होंने भी मास्क लगे होंगे ने। तो बहुत वधिया सिस्टम है यार, बहुत वधिया लोग ने, है ना। तो बाकी एक मैं जरूरी गल है जी, मैं घर जाके करता रिफ्रैश हो के, बहुत जरूरी गल है ना वो सुन लियो, क्योंकि बंदा जिहड़ा जिन्हों कोविड निकला है वो इंडियन स्टूडेंट सी, तो वो कैश पर काम करता सी। तां सारी स्टोरी मैं दसदा हुण की हो उहदे नाल किवें फसिया हो, तां वीडियो देख लियो जरूर, ये जरूरी है। तो बॉर्डर के संबंध भी ये केस करके सारा अटैच है, मतलब देख लियो वीडियो। ओ जो कंस्ट्रक्शन की पेरेट होती है भाई, वो बहुत सारे बंदे मेरे से पूछते हैं, तभी मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था तभी डाल रहा हूँ बीच में। तो वो होती है 25 से ऊपर होती है भाई, 30 के आसपास लगा लो आप, 30 पर घंटा मिलती है। और सैटरडे को ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है सैटरडे या संडे को अगर कोई काम करता नहीं। सैटरडे संडे होता नहीं, लेकिन अगर होता है तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप TFN पे बाकी जॉब्स कर रहे हो ना, बाकी कंस्ट्रक्शन के अलावा, तो उस पर आपको 25-26-24 मिल जाते हैं। अगर आप कैश पे कर रहे हो तो आपको मिलेंगे कितने मिलेंगे, 15 से शुरू होता है, कम भी दे सकते हैं उसमें, वो तो इलीगल है। जब वो पता चल गया कि उसको कोविड है पॉजिटिव आ गया, तो वो जहाँ जहाँ जगह पे गया था, यहाँ एक वीडियो में मैंने वो किया था ना फ़ोन से टिक गुरबाज टिक कर रहा था, तो वहाँ पे वो शो होता है मैं कहाँ कहाँ गया। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ करना पड़ता है सवा स्कैन करके, तो वहाँ ने स्कैन किया तो उसको, वो बहुत जगह पे गया ठीक है, उसने ऊबर ईट भी की। और तो वो सिक्योरिटी की जॉब करता था, तब उसकी हिस्ट्री निकाली सारी भाई, वो क्या करता है क्या नहीं ठीक है। तो वो कैश पे काम करता था भाई सिक्योरिटी पे, तो वो पकड़ा गया अभी। तो अगले दिन अखबार में, ये अभी मैं डालूँगा वो पढ़ लो, और अगले दिन वो अखबार में खबर आई कि ये जो डिस्परेट्स बॉय होते हैं ना, काउ बॉय की तरह काम करते हैं, कि भेड़ा जो चराता है बंदा उसके जैसे काम करते हैं हार्डवर्क। तो शायद उसको अभी डिपोर्ट भी किया जाए भाई, पक्का पता नहीं, लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि वो कैश पे काम कर रहा था 20 घंटे से ज़्यादा। वो पकड़ा गया रंग के हाथों ठीक है, सबको पता है अभी, और लॉकडाउन चल रहा है यहाँ ठीक है। और फ्राइडे को बताएंगे कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। और बाकी मेरे को लगता है अभी कैश पे भाई, मैं कैश पे काम करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं, लेकिन करते हैं सारे मेरे ख्याल से यहाँ। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई नहीं करता, मैं तो काम करता हूँ TFN पे और ABN पे ठीक है।
और TFN पे आपकी पे भी ज़्यादा होती है, आपका टैक्स भी कटता है, और आप सिर्फ 20 घंटे कर सकते हो। अगर ज़्यादा करोगे तो RTO को पता चल जाएगा, ठीक है। ABN कैसे होता है, वो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है। अगर आपने कोई बिजनेस करना है, ठीक है, जो आपका किसी बिजनेस में हिस्सा है, तो हो सकता है उस पर ABN पे काम, और उस पर टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर भरना पड़ता होता है, ठीक है। पता नहीं उसको कौन सा ईयर बोलते हैं, वो आता है यहाँ जब फाइनेंस का ईयर ख़त्म होता है, मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन उसकी कुछ क्या बोलते हैं हद होती है। अगर आप $40,000 से साल में ज़्यादा कमाते हो तो आपको टैक्स भरना है, लेकिन मेरे को लगता नहीं स्टूडेंट इतना कमाते होंगे, या जो कमाते हैं वो भरते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा $100 टैक्स बनता है, वो तो कोई चक्कर नहीं। और अगर कैश पे काम करना, आपको पे भी कम मिलेगी, और जो काम करा रहा है वो आपके पैसे मुक्कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपको ना दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप ABN पे या TFN पे काम कर रहे हो तो आपका वो पैसे बिल्कुल नहीं रख सकता कभी भी। अगर रखेगा तो आप वर्कफेयर के पास जा सकते हो और पैसे निकलवा सकते हो, ठीक है, उनसे। और बाकी बात रही भाई कि यहाँ पे काम कैश पे मिलता है या नहीं, मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि मैंने कैश पे शायद कभी काम किया नहीं। मैं ये कंस्ट्रक्शन वाली जॉब जो है मेरी, ये ABN पे, और जो अभी रेस्टोरेंट पे है वो DFN पे है। तो कुल मिला के मैं 20 घंटे ही काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 हो जाते होंगे, क्योंकि 3 दिन तो मेरा कॉलेज होता है, बाकी 2 दिन बचे हैं, सैटरडे संडे। तो सभी को रिक्वेस्ट है भैया ना, कि जैसे हमारे के वीज़ा में घंटे बताए होते हैं, उतना ही काम करो, 20 घंटे। और वीडियो का यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो सही लगे तो शेयर ज़रूर करते हैं।